सीबीएसई स्कूल चिकोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा चैप्टर स्वामी विवेकानंद। बच्चों, ये जो पाठ है ये भी यहाँ पर क्या दिया गया है, एक एकांकी के रूप में दिया गया है जिसमें बच्चे और शिक्षक ये मुख्य पात्र हैं। किस प्रकार से शिक्षक ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में बच्चों को समझाया है, इसका चित्रण बहुत ही सुंदरता से इस पाठ में दिया गया है। तो बच्चों, पाठ की तरफ बढ़ने से पहले स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक छोटी सी कहानी है वो मैं बताने चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंद जी जो होते हैं वो जब बाहरी देश में अपना व्याख्यान देने वो जब जाते हैं तब वो देखते हैं कि कुछ दूसरे देश के लोग भी वहाँ आए थे और एक नदी के पास एक अंडे के छिलके पर वो निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अंडे के छिलके के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। तब वहाँ स्वामी विवेकानंद जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तब वो लोग बताते हैं कि इस बहती हुई नदी में जो अंडे का छिलका पड़ा है, इस पानी में जो अंडे का छिलका पड़ा है उस छिलके के ऊपर हम कब से निशाना लगा रहे हैं लेकिन वो निशाना लग नहीं रहा है। तब नरेंद्र है यानी कि स्वामी विवेकानंद जी जो है वो कहते हैं कि एक बार मैं प्रयास कर देखूं। तो इसके ऊपर स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं, एक ही बार में उस छिलके के उस बहती हुई नदी में जो छिलका पड़ा था उस छिलके के ऊपर वो निशाना लगाते हैं और एकदम परफेक्ट निशाना उसके ऊपर जाता है। एक नहीं, दो नहीं, चार या पांच बार वो निशाना लगाते हैं और हर बार उनका निशाना सही जगह पर लगता है। हाँ, ऐसा कैसे हुआ? उन लोगों का तो नहीं रहता, बहता पानी रहता है, वो छिलका आगे आगे ही चला जाएगा और उसके ऊपर हम कैसे निशाना लगा सकते हैं, है नहीं? तो मतलब यहाँ पर एकाग्रता जो होती है वो होनी चाहिए। तो उन लोगों के मन में अलग विचार रहते हैं और सामने जो उन्होंने जो छिलके के ऊपर निशाना लगा रहे थे उसके ऊपर उनका पूरा ध्यान नहीं था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे व्यक्तिमत्व थे कि उन्होंने वो जो भी काम करते थे वो हर काम अपने मन से लगन से करते थे। इसीलिए उनका हर बार 5 या 6 बार उन्होंने निशाना लगाया, हर बार उनका निशाना सही जगह पर लगा क्योंकि उनकी एकाग्र बुद्धि अपने मन से पूरे लगन के साथ वो काम करते थे। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। घंटी बजी और विज्ञान के शिक्षक कक्षा से निकल गए। उनके जाते ही कक्षा में शोरगुल शुरू हो गया। हिंदी के शिक्षक कक्षा में आए तो सभी चुप हो गए, सभी बच्चे खड़े हो गए। बच्चे क्या कहते, गुड मॉर्निंग सर। शिक्षक, गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठिए। शिक्षक ने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि दिलीप, रजनीश, श्रीजीत और रवि अभी भी बात कर रहे हैं। उन्होंने उन सबको खड़ा कर दिया। शिक्षक कहते हैं, आप सब बातें क्यों कर रहे थे, पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? तो इसके ऊपर श्रीजीत नाम का जो लड़का है वो कहता है, सर मैं बात नहीं कर रहा था। रवि है, मैं भी नहीं बात कर रहा था। उसके ऊपर शिक्षक कहते हैं कि आप लोग झूठ मत बोलिए, सच बोलने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। फिर उसके बाद शिक्षक कुछ सोचते हैं और कहते हैं, अच्छा बच्चों, आज मैं आपको ऐसे एक महान पुरुष के बारे में बता रहा हूँ जो सदा सच बोलते थे। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, यानी कि यहाँ पर माहौल कैसा किया गया है, एकांकी है, एकांकी का माहौल है। दृश्य कैसे क्रिएट किया गया है, यहाँ पर घंटी बजती है, यानी कि बेल रैंग होता है
और विज्ञान यानी कि साइंस के टीचर चले जाते हैं और कौन से टीचर अंदर आते हैं बच्चों, हिंदी के टीचर अंदर आते हैं, यानी कि हिंदी के शिक्षक जो है, शिक्षक यानी कि अध्यापक, शिक्षक शिक्षक यानी कि अध्यापक टीचर, ठीक है बच्चों। तो विज्ञान यानी कि साइंस, साइंस के जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, वो निकल जाते हैं। उसके बाद किनकी एंट्री होती है, हिंदी टीचर की यानी कि हिंदी अध्यापक की एंट्री होती है। वहाँ पर होने के बाद एज यूजुअल जैसे आप अपने स्कूल में, अपनी कक्षा में जिस प्रकार से अपने टीचर्स को अभिवादन करते हैं यानी कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वैसे ही इन बच्चों ने भी अपने अध्यापक को क्या कहा, गुड मॉर्निंग बोला। उसके बाद सर भी उनको अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठिए, बैठने के लिए कहते हैं। बैठने के बाद जो हिंदी के अध्यापक हैं, जो हिंदी के टीचर हैं, वो क्या करते हैं, अपना लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं। वो उन्होंने देखा पढ़ाते वक्त, आप अपनी कक्षा में, आपने अपनी कक्षा में देखा होगा जब टीचर आगे पढ़ाती हैं तो आप सब लोग क्या करते हो, आगे के चार बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और पीछे जो चार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही काम में, कोई लिखता बैठता है, कोई फेयर कंप्लीट करता है, कोई क्या करता है, अपनी अपने दोस्तों से बातें करते रहता है। तो ऐसे ही जो शिक्षक है, हिंदी के अध्यापक है, वो क्या करते हैं, उन्हें देखते हैं, वो देखते हैं कि दिलीप, रजनीश, श्रीजीत और रवि जो है, वे चार बच्चे जो हैं बैठकर बातें कर रहे हैं, और उसके ऊपर शिक्षक उनको पूछते भी हैं, आप सब लोग बातें क्यों कर रहे हो, आप सब लोग बातें क्यों कर रहे हो, पढ़ाई पर क्यों नहीं ध्यान देते। लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सॉरी, शिक्षक जो है वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि आप क्यों बातें कर रहे हो। ऐसे ही आपकी कक्षा में होता है ना, तो ऐसे जो शिक्षक है वो अपने बच्चों को कहते हैं, यानी कि श्रीजीत है, दिलीप है, रवि है और रजनीश है, इन सबको शिक्षक पूछते हैं कि क्यों बातें कर रहे हो बच्चों, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि जो शिक्षक थे वो उनका लेसन स्टार्ट कर चुके थे, वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने ही बातों में मग्न थे। लेकिन देखिए, शिक्षक के पूछने के बाद भी जो बच्चे हैं उनका आंसर किस प्रकार से आता है, जैसे ही आपकी कक्षा में भी होता है ऐसा, है ना। तो देखिए, तो श्रीजीत जो है वो कहता है कि सर मैं तो बात नहीं कर रहा था, रवि भी कहता है सर मैं भी नहीं। उसके ऊपर शिक्षक क्या बोलते हैं, आप लोग झूठ नहीं बोलना, जो सच बोलता है वही अपने जीवन में सफल हो जाता है, जो सच बोलता है वही अपने जीवन में सफल हो जाता है। बच्चों, सच बोलने के ऊपर से आप सभी को ध्यान में आया होगा कि अगर आप बाहर अपने दोस्तों के पास खेलने जाते हो, बहुत सारा टाइम लगता है वहाँ पर, एक घंटे के बजाय आप क्या करते हो, दो घंटे अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पर, और एक घंटा ऑलरेडी आपको लेट होता है, और आप घर आते हो और क्या कहते हो, नहीं मम्मी मैं आ ही रहा था और कुछ ऐसी बातें हो गई तो मुझे लेट हो गया, आप वहाँ पर कुछ न कुछ झूठ बोल देते हो, है ना। तो इस झूठ की वजह से क्या हो जाता है, आपको और एक झूठ बोलना पड़ता है, जो कि आप किसी दोस्त के घर ही नहीं जाते, लेकिन क्या हो जाता है, जो बात नहीं करना चाहता वो बात आप कहते जाते हो। एक झूठ के लिए आप क्या करते हो, वहाँ पर 100 झूठ बोल जाते हो, है ना। अब यहाँ पर जो शिक्षक है वो क्या कह रहे हैं कि जो सच बोलता है वो जीवन में सफल होता है। बच्चों, सही बात है बच्चों, जो भी सच बोलता है ना वो जीवन में अपने आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ता ही रहता है, क्योंकि सच हमेशा उसके जीवन में, उसके स्वभाव में रहता है, इसीलिए वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो होता है, जो जहाँ है वहीं पर रहता है। लेकिन देखिए, शिक्षक कहते हैं कि ऐसे ही बच्चों को डांटते डांटते वो कुछ सोच लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे महान पुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सदा सच बोलते हैं। देखिए, लेखक जो हैं वो क्या कहते हैं कि बच्चों, अभी जो वो पाठ पढ़ा रहे थे उसे वो छोड़ते हैं और सच के ऊपर उनको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो सदा सच, हमेशा, सदा यानी कि हमेशा,
सदा, सदा का अर्थ है हमेशा सच बोलने वाला व्यक्ति, हमेशा हमेशा सच बोलने वाला व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सच बोलता है, इस व्यक्ति के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, कक्षा में चार मित्र आपस में बात कर रहे थे। एक मित्र केशव ने कहा, अरे नरेन, चतुर भिक्षु की कहानी सुना दो। नहीं नहीं गुरुजी आने वाले हैं। नरेन क्या कहता है, नहीं नहीं गुरुजी आने वाले हैं, अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हटके, जो अभी देखिए नरेन क्या कह रहा है, ठीक है सुनो। नरेन कहानी सुनाने लगा, श्रोता सहपाठी कहानी सुनने लगे। अध्यापक ने आकर पढ़ना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही नहीं लगा, अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। क्या हो रहा है वहां, मैंने जो पढ़ाया वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे, नरेन को छोड़कर अन्य कोई उत्तर नहीं दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेन को छोड़कर सभी खड़े रहो, कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। लेकिन नरेन क्या कहता है, देखिए गुरुजी मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेन ने स्वीकारा। देखिए यहाँ पर शिक्षक स्वामी विवेकानंद जी का एक छोटी सी उनके वो जब छोटे थे, वो जब विद्यार्थी थे, उनके विद्यार्थी जीवन का एक छोटी सी कहानी यहाँ पर उन्होंने बताई है। वो कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, कक्षा में चार मित्र आपस में बात कर रहे थे, जैसे कि आप लोग कहते हो कक्षा में, है ना? तो इसी प्रकार चार मित्र जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे और अध्यापक ने पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही नहीं लगा, अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे छात्रों की तरफ गया। बच्चे बातें कर रहे थे, अध्यापक कक्षा में आते हैं और अध्यापक का ध्यान ही नहीं रहा था और कुछ बच्चे जो बातें कर रहे थे, उसमें नरेन के कुछ सहपाठी थे। सहपाठी यानी क्लासमेट्स, आपके जो फ्रेंड्स होते थे, देखो आपके साथ सीखने वाले यानी कि सहपाठी, आपके साथ रहने वाले, उन्हें सहपाठी कहते हैं। और ऐसे सहपाठी थे, वो चार बच्चे थे, वो नरेन को क्या कह रहे थे कि चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। तो नरेन कहते हैं कि अभी अध्यापक आने वाले हैं और तुम लोग क्यों हट कर रहे हो। लेकिन जो बच्चे हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, नरेन के फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं अभी समय है और तुम क्या करो, हमें कहानी सुना दो। जब नरेन कहानी सुनाने लगता है तो जो उनके दोस्त थे, उनके फ्रेंड्स थे, वो क्या करते हैं, नरेन की तरफ ध्यान देकर उसकी कहानी सुनने लगते हैं। तभी क्या होता है, अध्यापक कक्षा में आ जाते हैं। आने के बाद आधा समय वहीं पर बीत जाता है, उसके बाद पाठ सिखाते हैं। उसके बाद अध्यापक का ध्यान उन चार दोस्तों की तरफ जाता है, जिसमें नरेन जो है वो अपने फ्रेंड्स को चतुर भिक्षुक की कहानी सुना रहा था। और कहानी सुनाते वक्त जो अध्यापक है, इनको कहानी सुना अध्यापक है, इन चार बच्चों को खड़े करते हैं, सबको प्रश्न पूछते हैं कि मैं क्या सिखा रहा था, मैं क्या पढ़ा रहा था, प्रश्न पूछते हैं उस पर, पाठ के ऊपर। तब कोई बच्चा उसका, मतलब उनके जो उसके नरेन के जो सहपाठी थे, नरेन के जो फ्रेंड्स थे, वो कोई नहीं बताता कि प्रश्नों के उत्तर, एक भी प्रश्न के उत्तर वो नहीं दे सकते। लेकिन जो नरेन हैं वो शिक्षक के पूछे गए हर एक प्रश्न का उत्तर देता है। अब शिक्षक क्या करते हैं, पनिशमेंट तो बनता ही है ना? अब पनिशमेंट देने के लिए शिक्षक क्या करते हैं, चारों सभी बच्चों को खड़े करते हैं, नरेन को नीचे बिठाते हैं। लेकिन ये जो नरेन है वो क्या कहता है कि माफ कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि जो कहानी है वो मैं ही सुना रहा था। तो इस प्रकार नरेन जो है वो सच बोलता है। एक सच्चा बच्चा जो है आज हर विश्व, पूरे विश्व में, पूरे विश्व, भारत में ही नहीं बच्चों, पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके विचारों से आज भी लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसी प्रकार
जो नरेंद्र हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिस प्रकार उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, सच्चाई से वो जिस प्रकार वो आगे बढ़ते गए, उसी प्रकार बच्चों आपको भी आगे बढ़ना है। इस कहानी से हमें समझना है कि हमें हमारे घर में कितनी सच्चाई से रहना है। घर में अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलना है, अपने शिक्षक अपने अध्यापक से झूठ नहीं बोलना है ना? हाँ, अपने जितना समय हमें मिलता है उसी में हमें क्या करना है, खेलना है। जो भी कुछ समय हमारे लिए हमारे मम्मी पापा देते हैं उसी समय में हम उसका उपयोग कर जो भी अभ्यास हो, जो भी खेलना हो, वहीं पर कंप्लीट करना है। बच्चों समझ में आया? आज हम यहीं पर ये पाठ जो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों अगली कक्षा में इस पाठ के आगे का भाग देखने वाले, ठीक है? तो चले बच्चों, ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। और आपका जो क्लास वर्क है, यानी कि क्लास वर्क आपको किस में लिखना है, फेयर बुक में ही लिखना है। इस पाठ में आए जोड़ाक्षर यानी कि संयुक्त अक्षर आपको लिखने हैं। समझ में आया? संयुक्त अक्षर मैंने सिखाया है बच्चों, दो अलग अलग व्यंजन हो या स्वर हो उनके मिलने से संयुक्त अक्षर होता है ना? तो आपको उसको ढूंढकर आपके पाठ का नाम लिखना है, उसके नीचे शब्दार्थ में या सॉरी संयुक्त अक्षर या हेडिंग डालना है और उसके नीचे आपको संयुक्त अक्षर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।